दीपक कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कोबरा कमांडो बटालियन 205 सीआरपीओ सेवा ले लें। मैं आज आपको ये बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि जो भी छात्र एवं छात्राएं सेना एवं पुलिस की तैयारी करते हैं छोटी मोटी गलतियों के कारण अपना सिलेक्शन को खो देते हैं। जब हम बात करते हैं बिहार पुलिस की, जहाँ पर सारा सिलेक्शन का दारोमदार हमारे फिजिकल पे दिया गया, वहाँ पर अगर हम फिजिकल मजबूत नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं दीपक कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कोबरा कमांडो सीआरपीएफ। 1996 में सीआरपीएफ ज्वाइन किया था जब मेरी उम्र 18 साल थी। इस 18 साल में फर्स्ट टाइम में 18 साल 3 महीने में ज्वाइन करने के दौरान 21 साल नौकरी करने के बाद देश के हर हिस्से में मैंने अपनी सेवाएं दी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, जम्मू एंड कश्मीर हो। अपनी इस नौकरी के दौरान जब मैंने देखा कि अपने बिहार राज्य के लड़के सेना पुलिस पैरामिलिट्री की तरफ कम आकर्षित होते हैं और बेरोजगार रह जाते हैं, तब मैंने निश्चय किया कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि समाज में भी मेरी सेवाएं लोगों के काम आए। इसके लिए मैंने 21 साल नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्ति ली और बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना की। स्थापना करने के दौरान मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियां, चाहे वो ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो और आर्मी, इनमें सिलेक्शन करवा चुके हैं। सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब आप थक जाते हैं उसी टाइम मास्टर की जरूरत होती है। हमने अपनी नौकरी के दौरान 5 साल रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ कोबरा कमांडो बटालियन 205 उसमें 3 साल सेवा दी है। अब जब हम समाज के बीच में आए हैं, बहुत सारे लड़के एवं लड़कियां जिनको जाने की इच्छा तो होती है कि हम वर्दी पहने, वर्दी पहनकर देश की सेवा करें, लेकिन छोटी मोटी गलतियों के कारण वो लोग नहीं कर पाते। खासकर आर्मी, जब आर्मी के हम बारे में सोचते हैं तो लड़के लोगों का ये मानना होता है कि हम सिर्फ दौड़ निकालेंगे, बाकी हमारे बदले में कोई परीक्षा देगा, हमारा सिलेक्शन होगा, जो कि सरासर गलत है। हम बहुत सारे लड़के ऐसे देख रहे होंगे अपने गांव इलाके में जो पिछले कई सालों से ग्राउंड में बहुत अच्छा दौड़ते होंगे लेकिन आज तक वर्दी नहीं बन पाए। तो उसका रीज़न है सिर्फ पढ़ने से और दौड़ने से नहीं, दोनों काम बराबर करने से आपका सिलेक्शन होगा। अब हम आते हैं बिहार पुलिस पर। बिहार पुलिस का सिलेक्शन 100 नंबर पर आपका मेरिट है, इसमें 50 नंबर दौड़ है, 25 नंबर गोला है और 25 नंबर का हाई जंप है। छात्र एवं छात्राओं को जो भी सुविधा चाहिए, चाहे वो जिम हो, हाई जंप के लिए गद्दा हो, तरह तरह के इक्विपमेंट हो जो कि आपकी स्टेमिना, आपकी ताकत, आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए चाहिए, यहाँ सारा कुछ व्यवस्था किया गया है बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर बिहार शरीफ में। और अभी तक कम से कम 300 से ऊपर जवान यहाँ से इस सेंटर से नौकरी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका 24 दरोगा जो कि राजगीर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आरपीएफ में 11 आदमी नौकरी कर रहे हैं जिसमें 6 लड़कियां और 5 लड़के हैं। जो दूर दराज इलाके के रहने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है। जो छात्रावास गर्ल्स का है उसकी देखरेख मेरी मैडम करती हैं, सारा ऑफिस का मैनेजमेंट संभालती है। लड़कियों को जो भी समस्या आती है वो डायरेक्ट मैडम से बोलती है और ऑन द स्पॉट उस समस्या का समाधान होता है। कोई भी गार्जियन हो, निसंकोच, ये अपना आपका घर है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, आप आइए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने लड़कियों एवं लड़कों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सक्षम बनाइए। यहाँ पे सुविधा में जिन लड़कों को हार्ड वर्क होना है उनको एसी का सुविधा दिया गया, एयर कंडीशन लगाया गया रूम्स में, ताकि जब आप तैयारी करके थक जाए तो आप अगले दिन के लिए कैसे तैयार होंगे अपनी पूरी स्फूर्ति के साथ। तो जब आप आराम से 4 घंटा भी अगर सो पाते हैं, चैन की नींद लेते हैं, तभी आप अगले दिन के लिए फुल वर्क के लिए तैयार होते हैं। कई लड़कों के मन में सवाल आता है कि जो लड़के
अगर एसी रूम में रहते हैं वो आर्मी की दौड़ नहीं निकाल पाएंगे, पुलिस की दौड़ नहीं कर पाएंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आपके घर में शादी ब्याह है, एक दिन आप पूरी ताकत से पूरी एनर्जी झोंक देते हैं, काम को संपन्न कर लेते हैं, लेकिन ये सेना और पुलिस की तैयारी है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको प्रतिदिन उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो आप घर में शादी विवाह में मेहनत करते हैं। आप एक चीज बताइए कि जैसे आपने एक दिन शादी में खूब मेहनत किया, लेकिन अगले दिन आप क्या करते हैं, पूरा दिन सो के बिताते हैं। लेकिन ये बताइए, अगर आप इस तरीके से मेहनत कीजिएगा बिना सिस्टमेटिक ढंग से, तो क्या आप कामयाब हो पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं। जो हम लोगों को सेना में पुलिस में सुविधाएं मिलती हैं, उसका छोटा स्वरूप मैंने यहाँ पे लोगों को देने का प्रयास किया है, ताकि जल्द से जल्द अपनी मंजिल को पा सके। धन्यवाद।